नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, बात करें तो आपको पता होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की चर्चा हर कलाकारों को लेकर कंट्रोवर्शियल तौर पर होती है, जिसमें कि पवन सिंह का भी नाम शामिल होता है। इसके अलावा रितेश पांडे का नाम शामिल होता है और एक नाम और है, और वो नाम समर सिंह है। समर सिंह को लेकर जिस तरीके से कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, विवाद हुई थी, उसके बाद खेसारी लाल यादव के फैंस जो हैं वो समर सिंह को बाइकआउट कर दिए और आज पता नहीं समर सिंह कहीं भी नहीं टिकते नजर आ रहे हैं और इसको लेकर तमाम तरीके की बातें हो रही है। लेकिन समर सिंह ने बहुत पहले एक पोस्ट डाल दिया था और वो पोस्ट डाल था कि एक स्टार हवन जवन की मोस्ट पॉपुलर में जाए खातिर तरसत अड़े, इस तरीके का कुछ बयान था जिसको लेकर कहा ये जा रहा था कि सारे गामा हम भोजपुरी पर समर सिंह का एक गाना है भतार संगे का कैलो, जिस पर कि एक साल में 154 मिलियन व्यूज मिले हैं और शायद वो दूसरे नंबर पर सारेगामा हम भोजपुरी पर पॉपुलर अपलोड में है। तो उनका ये कहना था कि खेसारी लाल यादव उनके पीछे अपने तो जैसे तैसे गाना था और वो गाना को लेकर कि वो जो है पॉपुलर अपलोड में लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि खेसारी लाल यादव जो है वो समर सिंह के अकड़ को तोड़ने वाले हैं और वो समर सिंह के अकड़ जो है अपने तो जैसे तैसे गाने से नहीं बल्कि उनका गाना नथुनिया को लेकर तोड़ने वाले हैं। दरअसल बात करें तो महज 2 महीने में ही इस गाने पर 137 मिलियन व्यूज मिल चुका है और 154 मिलियन व्यूज जो है भतार संगे काका कैलू समर सिंह का है। तो अब अंदाजा लगा सकते हैं कि 14 और 17 मिलियन दूर खेसारी लाल यादव का गाना नथुनिया है, लेकिन जिस तरीके से ये परफॉर्मेंस दे रहा है, जिस तरीके से ये गाना परफॉर्म कर रहा है, ऐसा लगता है कि जुलाई महीने बीतते बीतते पवन जो समर सिंह है उनके गाने का रिकॉर्ड खेसारी लाल यादव तोड़ देंगे और उनका नींद चैन जो है वो हैरान कर देने वाले हैं। तो आप लोग जाइए नथुनिया गानों को और भी ज़्यादा प्यार दे ताकि वो गाना जो है जल्द से जल्द नंबर 1 पर पॉपुलर अपलोड में इस चैनल यानी कि सारेगामा हम भोजपुरी पर हो जाए। तो एक छोटा सा अपडेट था और ये अपडेट इसलिए मैं दिया था ताकि इस गाने को और भी ज़्यादा देखें ताकि उस रिकॉर्ड को जल्दी से जल्दी तोड़ सके। तो अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।